साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र चौधरी लखनऊ आ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करेंगे। बीजेपी कार्यालय में मुलाकात होगी और इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ में आएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र चौधरी लखनऊ आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, भूपेंद्र चौधरी का लखनऊ आगमन है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज लखनऊ आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मा मिलने के बाद वो लखनऊ पहली मरतबा आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हूँ, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को पूरे फूल माला और पार्टी के झंडों से पता गया है। साथ ही साथ कई बड़े नेता आज मौजूद हो रहे हैं उनकी स्वागत के लिए। वहीं आपको बताया कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि हजरतगंज चौराहे से और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक हर एक जगह पे पोस्टरों से पटा हुआ है। साथ ही साथ विधानसभा के ठीक सामने एक मंच बनाया गया है, जहां वो अपने जो पदाधिकारी हैं साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू होंगे। वो विधानसभा के ठीक सामने मंच बनाया गया है। वहीं आपको बताया कि आज के इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के भी आने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा मिलने के बाद वो दिल्ली से भाई ट्रेन के रास्ते वो चारबाग स्टेशन आएंगे। चारबाग स्टेशन पे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी भव्य स्वागत किया जाएगा, साथ ही साथ वहां से अगवानी करके उन्हें प्रदेश कार्यालय ले आया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तस्वीरों में देख सकती है कि मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, साथ ही साथ हर एक पल पल की निगरानी भी यहाँ प्रशासन रखे हुए हैं। वहीं आज आगंतुकों के लिए विशेष जो कार्यालय खुला होता है उसको यहाँ सभी को जांच करके भेजा जा रहा है। वहीं अगर बताए तो आज के इस कार्यक्रम में जहां सभी भी वीआईपी आ रहे हैं, साथ ही साथ कई ऐसे जिम्मेदार आ रहे हैं, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी मयूरी जी, भूपेंद्र चौधरी के स्वागत में कौन कौन से बड़े चेहरे मौजूद रह सकते हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज जब वो चारबाग रेलवे स्टेशन आएंगे तो वहाँ तमाम पदाधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। जब वो पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे तो उनके पास अगर देखें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो इन सभी तमाम गणमान्यों के द्वारा उनकी स्वागत की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ तमाम स्वागत के बाद वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां वो 2016 में उन्हें विधान परिषद के वास्ते विधानसभा लिया जाता है, उसके ठीक बाद उन्हें पंचायती राज्य मंत्री का उन्हें जिम्मा दिया जाता है। 2017 में उन्हें पंचायती राज्य मंत्री बनाई जाती है, उसके ठीक बाद जब योगी सरकार 2.0 आती है तो उसमें भी वो वही जिम्मा दिया जाता है पंचायती राज्य मंत्री। ठीक उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान आंदोलन और सिकुनिया में हुए हिंसा के बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के पहले फेज में जहां चुनाव हुए थे 11 जिले और 58 विधानसभा क्षेत्र, तो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ फाइट मानी जा रही थी। मगर तमाम देखा जाए तो वहां के जाट नेता साथ ही साथ गुर्जर नेता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन रहा उसका देन रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, लगभग 40 से ऊपर सीटें ले आए। वहीं अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी को इस विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के परिणाम के भी तौर पर उन्हें उपहार के समूह भी देखा जा रहा है कि तब उन्हें पश्चिम में एक बड़ा नेता की जरूरत थी जो भूपेंद्र सिंह चौधरी को उन्होंने ढूंढा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं
और वहीं अगर देखा जाए तो उन्हें जिम्मा मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अब चुनौती होगी कि साल के अंत में देखा जाए तो निकाय चुनाव है, साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इन सभी जिम्मों को अब सभी जिम्मों को देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी को निभाना है, और देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में क्या होता है। जी जी विभांशु, हमेशा से जाति समीकरण को साधना एक अहम मुद्दा रहा है और भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो बीजेपी को इनसे कितना फायदा मिलेगा आने वाले चुनावों में? जी मयूरी, आपको बताया कि जब विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त कहा जा रहा था कि पश्चिम भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जाते हुए दिख रहा है, जहां आपको बताया कि 9 जिलों के दूसरा फेज था, 9 जिलों 53 सीटें, वही अगर पहले फेज की बात करें तो 11 जिलों में 58 सीटें, इन सभी सीटों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो अपेक्षा लगा के नहीं बैठी थी जिसमें उसके अच्छे परिणाम आए। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो वहाँ के पुराने नेता है, चाहे बात की जाए भूपेंद्र सिंह चौधरी की जो संगठन में लंबे अरसे से जुड़े हैं, साथ ही बात की जाए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की, तो इन सभी जाट और गुजर नेताओं के कहीं ना कहीं प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम के अंदर में सफलता मिली, उसका एक पुरस्कार आपको भूपेंद्र सिंह चौधरी को कहीं ना कहीं दे उन्हें मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि जो उन्हें जिम्मा मिला है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो विगत 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पे है, और इस जिम्मे को संभालने के लिए जहां एक बुजुर्ग नेता जो काफी समय से संगठन और साथ ही साथ तमाम जगहों पर अपनी पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालता रहा है, तो अब उन्हें जिम्मा दिया गया है। अब निकाय चुनाव के बाद ये कहना साफ होगा कि क्या इनका कैसे इनकी कार्यशैली है। अगर बात करें भोजपुर में तो भूपेंद्र सिंह चौधरी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इन्होंने पंचायती राज्य मंत्री का जिम्मा 5 सालों तक संभाला और तत्कालीन सरकार में भी संभाल रहे हैं। वही आपको दिखाना चाहेंगे मयूरी की अगर बात करें सुरक्षा के इंतजाम की, तो आप तस्वीरों में देख सकती है की जो तमाम यहाँ सुरक्षा के कर्मी है उनके हाथों में मेटल डिटेक्टर है, और सभी यहाँ जो आसपास लोग हैं उन पे भी निगरानी रखी जा रही है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ जैमर भी लगाया जाएगा, वही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखने की बात कही जा रही है। वहीं आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ के अंदर में रूट डायवर्जन भी किया गया है, चारबाग से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जब उनकी काफिला आएगा तो उस वक्त आपको बताएं कि एक जो दो साइड की सड़क है उसमें एक साइड रोका जाएगा। वहीं आपको बताएं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जब चारबाग स्टेशन से आएंगे तो सब वो लोक भवन भी जाएंगे, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। वहीं अगर देखें तो इन सभी महापुरुषों के बाद वो लौह पुरुष सरदार पटेल की भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके और प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। जी मयूरी, विभांशु आप बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, आपके पीछे में तमाम लोग नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, पुलिस प्रशासन या कोई लोग उनसे बात करिए, कैसा लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, कैसा माहौल है, बात करने की कोशिश करिए। जी मयूरी, आपको बता दें कि अब अगर हम यहाँ प्रशासन से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार होता तो इससे हम जरूर बात करते, मगर एक रैंक के अफसर से ही बात करने की प्रोटोकॉल है। वहीं आप कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को पूरी तरह से देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है और कार्यकर्ता अंदर है, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो मुख्य दरवाजा है वहां महज पुलिस प्रशासन है और वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ एक कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर सबसे पहले अपना नाम बता दें। दिनेश तिवारी, दिनेश जिला सेक्रेटरी। दिनेश जी, एक वरिष्ठ नेता के तौर पे अपने कार्यकाल को संभाल चुके हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है, लखनऊ आ रहे हैं, पहली मर्तबा आ रहे हैं, स्वागत की क्या तैयारियां की हैं, कितनी उत्सुकता है? कार्यकर्ता पलक पावड़े दिखाए बैठे हैं अपने नेता स्वागत।
बता दें आज लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी का आगमन है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र चौधरी लखनऊ आ रहे हैं। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी कार्यालय में ये मुलाकात होगी और इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आशीर्वाद मिला है और फिर आशीर्वाद मिलता रहेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश में फिर परचम फहराएगा आने वाले निकाय के चुनाव में। अभी आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख, विधान परिषद, सारे चुनाव हम भारी बहुमत से जीते हैं, एक तरफा जीते हैं। फिर मुझे विश्वास है मैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगा। अच्छा, आप भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को आप निकट से भी जानते होंगे, ऐसा किसका बताइए उनके बारे में जो हमारे दर्शकों को। मैं जिला अध्यक्ष लखनऊ का था, मुख्यमंत्री थे पश्चिम की, हम लोग गए थे तो स्टेशन पे उनकी ड्यूटी लगी थी, तो हमने आग्रह किया था कि नहीं हो पाएगा, जो व्यवस्था मेरे पास है उसके कुछ नहीं कर सकता, आपका कहना रह जाएगा। जो पार्टी की व्यवस्था है बहुत ही अनुभव, बहुत ही पार्टी के आभार करते हैं, बहुत ही ईमानदार किसान पुत्र है, उनको लगता है उत्तर प्रदेश की बागोर किसान पुत्र के हाथों में है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप एक जिम्मेदार पद पे है, क्या तैयारियां की गई है चारबाग से पार्टी कार्यालय तक? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश कार्यकर्ताओं ने जो निकल पड़े हैं चारबाग में पहुंच रहे हैं, कट गया क्या सुनने के लिए? विवांशु, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, आपने सुना कि पूर्व जिलाध्यक्ष इनका साफ तौर से कहना था कि लखनऊ के अंदर में लगभग 50,000 कार्यकर्ता मौजूद हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने उनके भूपेंद्र सिंह चौधरी के सौम्य एवं सरल स्वभाव के बारे में बताया कि और किससे भी सुनाए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि महज कुछ ही घंटों में भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो ट्रेन है वो चारबाग स्टेशन आएगा, चारबाग स्टेशन से कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों के द्वारा फूल मालों से उनका स्वागत किया जाएगा और तमाम जो कार्यकर्ता होंगे वो पद यात्रा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे करीब पहुंचेंगे। और साथ ही अगर बात की जाए तो उनकी अगुवानी में सूबे के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ कई उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे। जी मयूरी जी, अभी आपने कहा कि रूट डाइवर्जन के लिए कुछ किया गया है, तो इसके लिए अभी क्या तैयारियां की गई है, क्या व्यवस्थाएं की गई है जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए? जी अगर बात की जाए लखनऊ की तो लखनऊ के अंदर में जाम एक प्रमुख समस्या है, उसका उसको निजात दिलाने के तमाम प्रयास की जा रही है। मगर आज के रोड शो जो कि चारबाग से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक रखा गया है, इसको लेकर कई जगहों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लालबाग को जोड़ने वाली सड़क को ब्लॉक किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के इर्द-गिर्द जो रास्ते हैं उसको भी स्थायी रूप से रोका गया, स्थायी पार्किंग भी बनाई गई है अनेकों जगहों पे। और कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया गया है जिम्मेदारों की तरफ से कि अपनी गाड़ियों को आप कार्यालय से दूर रखें। वहीं अगर जब उनकी काफिला निकलेगा तो चारबाग से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक के रास्ते में कई जगह डाइवर्जन भी लगाया गया है जिससे रोड बाधित भी ना हो और साथ ही साथ लोग एक लंबे अगर तादाद में इकट्ठा भी ना हो सके। अब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस पूरे इस आज के जो पदयात्रा है जो इनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता पदयात्रा करने वाले हैं उसके लिए पूरे ट्रैफिक पुलिस तत्पर है, सड़कों पे है, रोड डाइवर्जन किया है। साथ ही साथ देखें तो ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं
कि आप सड़कों पर कहीं भी ट्रैफिक को अनावश्यक रोके नहीं और सही सुचारू ढंग से आज ट्रैफिक का संचालन किया जाए। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।